हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं 25 फीट बाय 30 फीट का ये बहुत ही शानदार सा हाउस प्लान है। इसमें आपको तीन बेडरूम देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक बेडरूम, दो बेडरूम और तीसरा आपको गेस्ट रूम। ठीक है, ये बहुत ही शानदार सा हाउस प्लान है। उम्मीद है ये हाउस प्लान आपको सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि अगर इस हाउस प्लान को आप गाँव में बनाएं, शहर में बनाएं, हर जगह बहुत ही बेस्ट दिखने वाला है। तो चलिए वन बाय वन करके सारा डिटेल आप समझ लेते हैं कि किस तरीके से इस हाउस प्लान को बनाया गया है। अगर दोस्तों ये हाउस प्लान आपको चाहिए तो हमें नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा, जिससे हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और आपको ये हाउस प्लान का जो भी पीडीएफ है आपको हम दे देंगे। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करके सारा डिटेल समझ लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोसीजर हमारा होता है कॉलम को क्रिएट करना, यानी कॉलम बनाना। घर कभी बनाएं तो सबसे पहले कॉलम बनाएं। उससे बेनिफिट क्या होता है, जो आपके घर की असली मजबूती है वो तभी आती है। बहुत जगह गांव में क्या करते हैं, जो आपके गाँव के लोकल मिस्त्री होते हैं, पहले वो ब्रिक वर्क करते हैं और दोनों साइड से सेटिंग लगा के कॉलम की ढलाई कर देते हैं। वो बहुत ही गलत तरीका है, जिससे आपका घर की मजबूती वो कम हो सकती है। ठीक है, तो कभी भी आप घर बनाएं तो देखते होंगे जो भी बिल्डिंग होती हैं या बड़े बड़े कोई भी स्ट्रक्चर होते हैं तो सबसे पहले स्ट्रक्चर का ही काम होता है। इसी तरीके से आप अपने घर कभी बनवाएं तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको सारा कॉलम क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब उसके बाद से आपको जो दीवार का काम है यानी ब्रिक वर्क जो है वो आपको स्टार्ट करना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको आउटर का हमने ब्रिक वर्क जो कराया है वो 9 इंच का आपको ये देखने को मिलता है। क्या बोलते हैं आपका बाहर की दीवार, ठीक है, बाहर की दीवार 9 इंच का रहेगा और अंदर की जो दीवार है वो आपको 4 इंच की देखने को मिल जाती है। 4 इंच मतलब आपको एक ईंटे की चुनाई आपको अंदर की दीवार मिल जाएगी और बाहर की जो दीवार है वो आपको 2 ईंटे की चुनाई का देखने को मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कभी भी घर बनाएं, यहीं पे सभी लोग गलती करते हैं, वो है प्लिंथ लेवल। देख सकते हैं ये हम मार्किंग कर रहे हैं एक लाइन का, यहाँ तक देखते होंगे घरों का जो कलर होता है वो लोग ब्लैक कोई कराता है, कोई रेड कराता है। तो ये दोस्तों क्या बताता है, आपका प्लिंथ लेवल। ठीक है, प्लिंथ लेवल यानी आपके घर के जो बाहर का रोड है उस रोड से कितने हाइट पे आपने अपने घर को बनाया है। और यही पे एक बीम कास्ट कर देते हैं जो आपके स्ट्रक्चर को भी पकड़ के रखता है और एक डीपीसी लेयर देते हैं जिससे आपका नीचे का भी सीलन वो आपके दीवारों में ना जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप देखने को मिल जाता है। ठीक है, अभी चलिए डोर विंडो का काम हम कर लेते हैं फटाफट से। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक डोर देखने को मिलता है जो कि आपके गेस्ट रूम के लिए है। गेस्ट रूम दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा ये देखिए 4 इंच की दीवार हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, ये जो आपका यहाँ पे ये देखिए ये आपका गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम में एक बाहर से आपको दरवाज़ा मिलता है और एक आपके घर के अंदर से दरवाज़ा मिलता है। इसका भी बहुत फायदा होता है दोस्तों, घर में जो गेस्ट रूम रहे उसमें 2 दरवाज़ा देना ही चाहिए। उससे बेनिफिट हम बता दें, पहला बेनिफिट ये होता है कि जो भी आपका गेस्ट आएगा वो सीधे अपने गेस्ट रूम में जाएगा, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर चाय पानी की व्यवस्था करना है तो वो बाहर से घूम के ना आके इधर से इधर ही व्यवस्था जो भी रहे वो कर दे तो और भी बेटर रहता है। कि यहाँ पे बगल में किचन है, यहाँ पे एक डोर बंद हो जाएगा तो पता नहीं है अंदर का स्थिति। और यहाँ से आपको एक विंडो यहाँ पे एक डोर दे देते हैं पहले अपने किचन का, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये किचन आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ये डोर आप चाहें तो इस साइड से भी दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको जिधर अच्छा लगे उधर से आप बना सकते हैं, आपका दोनों जगह से कम्फर्टेबल रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका पीछे में 2 बेडरूम है। देख सकते हैं दोनों बेडरूम के लिए हमने यहाँ पे डोर प्रोवाइड कर दिया है। डोर की हाइट है 7 फीट और इसकी जो चौड़ाई है वो 3 फीट 3 इंच का देखने को मिल जाता है। उसके बाद से आपको इधर में आपको टॉयलेट का सेटअप देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं इधर में आपको टॉयलेट है, तो टॉयलेट के लिए भी हम यहाँ पे एक डोर का सेटअप कर देते हैं। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे अंदर का जो माहौल है जो भी रेडी हो चुका है और बाहर का ये देख सकते हैं। बाहर में आपको ये यहाँ से मेन डोर देना पड़ेगा जो आपके अंदर एंट्री के लिए है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं यहाँ पार्क में अपना 2 व्हीलर गाड़ी पार्क कर सकते हैं, यहीं पे सीढ़ी का सेटअप दिया गया है। और यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा सा आपने घर के लिए गेट लगाना है, जिससे उतना बड़ा लगाना है जिससे आपकी जो बाइक है वो इजीली आपके घर के अंदर घुस सके। ठीक है, तो यहाँ पर लगा देना है और यहाँ पर एक रैम्प बना देना है। रैम्प बनाएंगे जिससे आपकी गाड़ियाँ अच्छे से अंदर चढ़ सके। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट आता है डोर विंडो। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बड़ा बड़ा विंडो देते हैं गांव में या शहर में, सभी जो है अभी फैशन चला है बड़ा बड़ा विंडो का, तो कुछ इस तरीके से आपको काफी बड़ा सा एक विंडो दे देना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ इस तरीके से आपको सारा सेटअप देखने को मिल जाता है। अगर दोस्तों आपका घर खुद आपका जो भी घर है वो घर के चारों साइड में आपका खुद का प्लॉट है तो आप बाहर के साइड में भी आप अपना विंडो का सेटअप कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारा बाहर का प्लॉट है तो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा सा हम चारों साइड से यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे किचन रहेगा तो थोड़ा सा हाइट पे रहेगा विंडो।
और बाकी इधर में भी आपको एक विंडो का सेटअप दे दिया गया है। ठीक है, अब चलिए ये विंडो को कटआउट कर देते हैं। पहले ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने वेंटिलेशन के लिए कर दिया है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा बैक करते हैं। यहाँ पीछे कुछ एक्स्ट्रा लाइन्स हैं, इसकी वजह से कटिंग नहीं हो पाया, तो हमने यहाँ पे इसको डिलीट किया और यहाँ पे देखिए इसको भी मैंने कट कर दिया। ठीक है, अभी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये पूरा आपका हाउस प्लान करिए कितना बेहतरीन लग रहा है। अगर अभी हमने छत नहीं डाला है तो भी ये हाउस प्लान देख सकते हैं कितना सुंदर देखने को लगता है। जब विंडो का सेटअप हो जाता है घर में तो घर का लुक जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी चलिए डोर विंडो सारा चीज़ हमने सेटअप कर दिया। अभी बात आती है डायमेंशन डिटेल का, क्योंकि सभी लोग लास्ट में बोलते हैं कि सर जी आपने तो डायमेंशन डिटेल बताया नहीं। इसके लिए मैंने 11 फीट 6.5 इंच बाई आपको 10 फीट का दो बेडरूम देखने को मिलता है। दोनों बेडरूम का साइज एकदम सेम है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे किचन आपको मिलता है। किचन आपको 7 फीट 8 इंच बाई आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 फीट का किचन इधर देखने को मिलता है। और इस साइड की बात करें हम अगर तो 5 फीट बाई 7 फीट 8 इंच का आपको इधर पे टॉयलेट का भी सेटअप देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद से आपको ये काफ़ी बड़ा सा हॉल है। हॉल की साइज है 11 फीट बाई 7 फीट 8 इंच का आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हॉल का भी साइज देखने को मिलता है। बाहर की साइड में आपको गेस्ट रूम मिलता है। गेस्ट रूम आपको 10 फीट बाई आप यहाँ पे मेजर कर देते हैं पहले 10 फीट बाई 11 फीट 4.5 इंच यानी 5 इंच के अराउंड देखने को मिल जाता है। बाकी सेम साइज आपका यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है 11 फीट 9 इंच बाई आपको ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ 10 फीट का आपको देखने को मिलता है। ये आपको पार्किंग एरिया का यानी पार्किंग जहाँ पे आप टू व्हीलर पार्क करेंगे और यहीं से सीढ़ी का सेटअप रहेगा जो आप अपने छत पे जा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये पूरा हाउस प्लान आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर बात करें कंस्ट्रक्शन कास्ट की तो सभी जगह पर अलग अलग रेट हैं कास्टिंग का। ठीक है, अगर विथ मटेरियल आप काम करवाना चाहते हैं तो आपको 1200 से लेकर 1500 स्क्वायर फिट के हिसाब से आपको ठेकेदार मिल जाएंगे विथ मटेरियल आपका पूरा घर रेडी करके दे देंगे। ठीक है, तो अगर आपका हाउस प्लान देख सकते हैं यहाँ पे 2500 25 फीट बाई 30 फीट का है तो आपको उसी अनुमान से आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपना हाउस प्लान आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है वो आप दे के आप अपना घर विथ मटेरियल का बनवा सकते हैं, इसको बनवा सकते हैं। ठीक है, अच्छे से। तो दोस्तों ये हाउस प्लान बेसिकली आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरीके का हाउस प्लान देखने के लिए दोस्तों हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे क्या होगा जब भी हम कोई न्यू वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन बेल में चला जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।